स्टूडेंट गुड आफ्टरनून, इट इज माय लास्ट वीडियो और 11th वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद यू अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। लेकिन प्लांट्स की बात करते हैं इन रिगार्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लांट्स में देखिए कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं जिम्नियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहते हैं और टेरिडोफाइट्स कहते हैं, उन प्लांट्स के अंदर यहां पर एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देयर इज ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दैम, यहां पे एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट। और ये जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें स्पेशल टिश्यू होता है जिसको आप वास्कुलर बंडल कहते हैं। वास्कुलर बंडल ये स्पेशल टिश्यू इन द प्लांट्स और इन हायर प्लांट्स। तो जो वास्कुलर बंडल है इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो कंपोनेंट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों जो जाइलम एंड फ्लोएम है इनका काम है ट्रांसपोर्ट द फूड। आइदर द फूड में बी इन द रॉ मेटेरियल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ द प्रीपेयर्ड फूड। तो यहां पर ये रॉ मेटेरियल की फॉर्म में और प्रीपेयर्ड फूड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट द फूड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मेटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स है, जो कि सोयल से लेता है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का काम है जब फूड लीफ में प्रिपेयर हो जाता है तो दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। प्लांट की जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं उनको फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नॉन फोटोसिंथेटिक में आपका स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, उन सब में फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से लेते हैं जो स्टोमेटा के थ्रू जाती है, और सनलाइट सन से लेते हैं, और सनलाइट जब प्लांट्स के अंदर लीफ ट्रैप करती है तो लीफ के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट जो कि एक क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज करके स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है और सुक्रोज से स्टार्च बनता है। तो यहां पर देखिए ये जो है सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा जो लीफ में बनेगा, फिर ये सुक्रोज बनेगा जो ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर ये स्टार्च की फॉर्म में लीफ में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और फिर लास्ट में फाइनल फॉर्म में स्टोर। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, देखिए वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन की बात। वाटर और मिनरल्स में, सॉरी, इसमें वाटर आता है, मिनरल्स आता है, इनको रूट एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए रूट्स में रूट हेयर होती है, ये ग्रीन बने, ये रूट हेयर यहां पे प्रेजेंट है, और दीज रूट हेयर आर सराउंडेड बाय द सोयल, एंड सोयल हैज द मिनरल्स एंड वाटर एंड वी कैन से रॉ मेटेरियल। अब यहां पर इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ये जाइलम टिश्यू में दो टिश्यू की बनी होती है, दो कंपोनेंट्स की बनी होती है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। इन वेसल्स और ट्रैकेट्स का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल और रॉ मटेरियल। तो यहां पर ये दोनों टिश्यू एड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पर रूट हेयर है जो कि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक द विलाई इन इंटेस्टाइन। इसके बाद ये कॉर्टेक्स रीजन है जो ब्लू कलर का है। इसके बाद एंडोडर्मिस है जो रेड कलर में, और ये जाइलम टिश्यू। अब देखिए रूट हेयर यहां से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारा पहले एपिडर्मिस में आता है, फिर कोर्टेक्स में आता है, फिर एंडोडर्मिस में आता है, और फिर जाइलम के थ्रू दैट सेंड टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए
प्लांट्स जो है दे टेक द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सोयल से लेते हैं, जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजन या फॉस्फोरस भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सोयल। अब ये मिनरल्स और ये वाटर ट्रांसपोर्टेड होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकेट के थ्रू और जाइलम एलिमेंट्स, क्योंकि जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स का बना हुआ है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो रूट हेयर्स हैं, ये एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब ये एब्जॉर्प्शन होता है तो ये बाय द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, किसका, वाटर का और मिनरल्स का। और जब ये होता है, जब डेप्थ से लेते हैं, जब डेप्थ से पानी लेते हैं, अगर सुपरफिशियली लेते हैं, ऊपर से पानी लेते हैं तो डिफ्यूजन, और डेप्थ से लाते हैं तो बाय द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर, इफ द सोयल्स आर टेकिंग द मिनरल्स वाटर फ्रॉम द डेप्थ, तब वहां पे प्रेशर होता है जिसे डिफ्यूजन प्रेशर, और सिंपल वे में डिफ्यूजन से अंदर। अब देखिए यहां से ये रूट हेयर है, इन रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब कर, ये वाटर अंदर आ गया। अब यहां पर ये डिफ्यूजन से आया या यहां पर ये डिफ्यूजन प्रेशर से आया, इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू देयर, कितना वाटर मिनरल्स, अगर प्लेंटी मिल रहा है तो डिफ्यूजन है, नीचे से ला रहे हैं तो यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि प्लांट की जो लीफ है ये ट्रांसपिरेशन करके लॉस ऑफ वाटर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लीफ, और लीफ जो है करीब 99% वाटर को लॉस कर देती है, ओनली 1% वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्ट, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ओनली 1% वाटर इज यूज्ड। तो जब ये वाटर आगे यहां पे जाके लॉस होता है लीफ में, ट्रांसपेरेंट लॉस ऑफ वाटर होता है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ वाटर की वजह से जाइलम के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसे आप सक्शन प्रेशर कहते हैं, जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ, तो जैसे आप सिप लेते हैं तो स्ट्रॉ में से सारा जो एयर निकल जाती है, और जब एयर निकल जाती है तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, वहां भी सक्शन प्रेशर काम करता है, यहां भी सक्शन प्रेशर काम कर रहा है, और ये सक्शन प्रेशर की वजह से वाटर ऊपर चला जाता है, कहां चला जाता है, रूट से लीफ, और ये एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है, इट इज नॉट बी इंटरप्टेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, और इसके बाद जब चलता रहता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, और इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैंड, यानी पानी जो है वाटर से लेकर के और ऊपर जाइलम के थ्रू होता हुआ लीफ में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैं अभी बना के डाल रहा हूं। थैंक यू।